चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, आज की डेट 29 सितंबर 2021। एक्सरसाइज हमारी है 8.1 और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, व्हाट लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। अब किसके अबाउट, यानी अगर आपके पास वर्टिकल मिरर है, पहले तो हम मिरर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिरर के बारे में बोला, पहला एक मिरर है वर्टिकल मिरर। तो आप ये समझिए कि वर्टिकल मिरर तो आपके पास इस प्रकार से सीधा, ये वर्टिकल मिरर है, और एक है हॉरिजेंटल मिरर। उसमें मिरर ये वाला है, ठीक, वर्टिकल मिरर और हॉरिजेंटल मिरर। हमें क्या देखना है कि हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उनमें से कौन कौन ऐसे अल्फाबेट्स हैं जो हमारे वर्टिकल मिरर या फिर हॉरिजेंटल मिरर या फिर दोनों के साथ रिफ्लेक्शन सिमिट्री रखते हों। रिफ्लेक्शन सिमिट्री का मतलब है कि अगर वो मिरर में देखें तो वो सेम वैसा ही दिखे। शुरू करते हैं। देखिए आप एक ही बात करेंगे, ए बी सी डी ई एफ। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को भी? ठीक है ठीक है, एफ जी एच। अभी मैं इतने ही करा रहा हूं, बाकी आप अपने आप करेंगे। इनमें से क्या है, देखिए अगर आप बीच में मिरर लगा देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपका ए बिल्कुल ए ही दिखेगा, दिखेगा ना, ये तो ए ही दिखेगा, ठीक। और रही बी की बात, तो बी आपको बी कब दिखेगा, जब वो हॉरिजेंटल वाला मिरर होगा, केवल तभी वो बी दिखेगा वरना नहीं दिखेगा, है ना। तभी भी दिखेगा ना, वर्टिकल से तो दिखेगा नहीं। सी किससे दिखेगा, सी बता सकते हो, हॉरिजेंटल वाले से। यस हॉरिजेंटल वाले से। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, वैसा ही मिरर बनाना है, फिर अल्फाबेट उसके पास लिखना है। समझ में आया? तो डी वाला किससे बनेगा, हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल? डी हॉरिजेंटल।
है ना। ई किससे बनेगा? यस, ई बनेगा हॉरिजेंटल वाले से ही। ठीक है, एफ तो बन ही नहीं सकता है किसी से भी, जी भी किसी से भी नहीं बनेगा, लेकिन एच आपके वर्टिकल 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 और हॉरिजेंटल दोनों से बनेगा भाई वो। यस यानी कोई ऐसे अल्फाबेट्स भी हैं जो हॉरिजेंटल से भी बन रहे हैं और वर्टिकल से भी बन रहे हैं, वर्टिकल बन रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं वही दोनों साइड से करते हैं। ठीक है, आप समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं? तो अब आपको करना क्या, ए टू जेड डू योर सेल्फ। ए से लेके जेड तक आप अपने आप ही देखिएगा कि कौन हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, कौन वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कर सकते हो? सॉरी, अच्छा, सॉरी, रुको, देखो देखो बेटा, ये क्या है, ये वर्टिकल वाला, यानी ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ये जो है ये हॉरिजेंटल का, ये किसका है, सेकंड वाले का है। और ये जो दोनों आए हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये आपके थर्ड वाले का आंसर है। समझ में आया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही करना है। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले का है, ये आपका सेकंड वाले का है। ठीक, ये भी अभी तक सेकंड वाले का ही है। ऐसे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड बना चाहे तो उनके ऊपर लिख देना लिखने के बाद, या फिर पहले फर्स्ट वाले में जो वर्टिकल वाले हैं वो सारे बना दो, सेकंड वाले में जो हॉरिजेंटल वाले हैं वो बना दो, और थर्ड वाले में जिसमें दोनों बनते हैं वो वाले बना दो, वो आपकी इच्छा है। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, अब इन्होंने कुछ फिगर्स के नाम बोले हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दी फॉलोइंग फिगर्स। इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री थी? 3। कितनी है? 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया था तो कितनी लाइन ड्रॉ करी थी कल? 3। दिख रहा है आप लोगों को? और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कुछ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री 3, रेक्टेंगल के लिए 2, स्क्वायर के लिए 4, रेगुलर पेंटागन के लिए 5 लिखा था ना। तो ठीक है, तो ये हो गया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल नंबर 2। नंबर 2 कौन है? आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें होता है वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता कैसा है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है वही ना। अगर दो साइड इक्वल है तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक ये ही बनेगी और कोई सी नहीं बनेगी। नंबर 3, स्केलीन। स्केलीन उसे कहते हैं जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, तीनों साइड अलग अलग होती है, तो उसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक, फोर्थ वाला, अब पैरेललोग्राम, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हमने कल पैरेललोग्राम का नाम उसी में लिखा था ना जिसके अंदर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती थी, ये रहा, इसके लिए भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर 5, अब क्वाड्रिलेटरल। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल, कुछ नहीं कह सकते हम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, तो हमें, हम कह नहीं सकते।
इसलिए इसके लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए कुछ और बोलना चाहिए, एक क्वाड्रिलेटरल है लेकिन मालूम नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, तो हम क्या कहेंगे? चलो नो कर दो, क्योंकि उसके अंदर स्पेशल नाइन नहीं नाम नहीं दिया कि वो कौन सा है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री। हेक्सागन में कितने हैं? सिक्स लाइंस ऑफ सिमेट्री, याद है? सिक्स लाइंस ऑफ सिमेट्री। उसके बाद क्या है? एक सर्कल। सर्कल के बारे में देखो, मैं आपको दिखाता हूं, अगर कोई सर्कल है तो उसके आप कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? एक कर दिया, दो कर दिया, ऐसे कितनी कर सकते हैं आप बता सकते हो? अच्छा, सिर्फ फोर ही? हाँ, इनफिनाइट, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है भाई, इसलिए क्या कहेंगे थे? इनफिनाइट। इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, और इनफिनाइट का मतलब है अनंत, बहुत सारी जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, ठीक है? इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन सेंटर से जाएगी वो उसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। समझ में आया? आते हैं क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? व्हाट अदर नेम कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री? अब एक आइसोसेलस ट्राइंगल जो होता है, जैसे कि मैं आपके सामने बना दूं एक आइसोसेलस ट्राइंगल, इसके अंदर जो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है उसका कोई दूसरा नाम भी है क्या? यह उसका है दूसरा नाम, मैं बता दूं, आइसोसेलस ट्राइंगल के अंदर इसको ये 90 डिग्री भी पड़ता है, इसको एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पहले वाले में आइसोसेलस ट्राइंगल का दूसरा नाम है एल्टीट्यूड, इसका दूसरा नाम है एल्टीट्यूड। और सर्कल में जो देखा था आपने, जो इसको सेंटर से होके जा रहा है और दो बराबर टुकड़े कर रहा है, तो क्या हो सकता है? उसका दूसरा नाम हम डायमीटर भी बोल सकते हैं। क्या है वो? है ना, सर्कल के अंदर जो उसको दो बराबर टुकड़ों में बांटता है वो है उसका डायमीटर, और आइसोसेलस ट्राइंगल में वो उसका एल्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ द फॉलोइंग शेप एंड ड्रॉ दियर लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर बना सकते हो तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि बनेगा ही बनेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, आइसोसेलस, राइट आइसोसेलस ट्राइंगल, राइट आइसोसेलस ट्राइंगल कौन सा होता है वो देख लीजिए जल्दी, जिसमें जिसमें एक एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उसे राइट आइसोसेलस ट्राइंगल भी कहते हैं। ये एक ऐसा ट्राइंगल था जिसकी दो साइड बराबर थी और 90 डिग्री भी एंगल था, ये वाली साइड इसके बराबर थी, ये दोनों साइड इक्वल थी और 90 डिग्री का एंगल भी था, तो इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनी है वो ये रही, ठीक है? जो ब्लैक वाली मैंने बनाई है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है।
सेकंड वाला बोला स्केलिन ट्राइंगल, और स्केलिन ट्राइंगल में तो कोई भी तीन साइड हो सकती है वो, और आप उस स्केलिन ट्राइंगल का कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते, तो इसके लिए क्या कहेंगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। किसके लिए बोला है मैंने, स्केलिन ट्राइंगल के लिए। नंबर थ्री आइसोसेलस ट्राइंगल, आइसोसेलस ट्राइंगल का ये अभी आपके सामने किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो थर्ड वाला डू योर सेल्फ, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूं, इसे आप खुद ही करिएगा। नंबर फोर इक्विलेटरल ट्राइंगल, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, डू योर सेल्फ। नंबर फाइव पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या बोलेंगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नंबर सिक्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का भी मैंने आपको बता दिया था, तो डू योर सेल्फ। यहां पर है, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं ऊपर पिछला वाला काम दिखा देता हूं। ये हमने एक रेक्टेंगल बनाया था जिसमें ये जो रेड है वन और ये दूसरी रेड टू, ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं इसकी, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। बोलिए बेटा। बिल्कुल, इसीलिए है ये, शेप भी बनानी है और फिर इनकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ फिगर या शेप नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाला, नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाला कोई एक शेप का नाम बता दीजिए। वो कल से आपने इसी को पकड़ा हुआ है, कोई और ढूंढो, नहीं तो अभी तक हमने इतनी सारी चीजें देखी, इनमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री वाले कौन कौन से आप यहाँ देख सकते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है ना, पैरेललोग्राम भी है, स्केलिन ट्राइंगल भी है, और सिर्फ नाम लिखने से कुछ नहीं होगा, बनाना भी पड़ेगा, ठीक। या कोई भी एक शेप बना दीजिए आप, जैसे कि जैसे अधिकतर चीजें हमारे को ज्योमेट्रिकल फॉर्म में दी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी होती होंगी जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में नहीं होती होंगी, है ऐसी कोई, एक शेप बना देते हैं। चलिए अब आपको पता चल गया होगा, है ना, क्लियर। इसका लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ना इस फिगर का, ऐसे सामने से साइड से तो है ही नहीं है, क्लियर। नंबर टू वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो केवल, वो आप एक हाँ बना सकते हैं, तो हम पान शेप भी बोलते हैं, हर्ट शेप भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला इसकी वन लाइन ऑफ सिमेट्री है, हम ऐसे ऐसे इसको कर सकते हैं, और इसके अंदर नो लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा है थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें से तीन लाइनें बनती हो, तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं। ट्राइंगल तो है बेटा, वो हम सुनो एक बार हम उसको यूज कर चुके हैं, किसी और के बारे में बात करेंगे अब हम,
ठीक है, इस तरह की शेप बना सकते हैं आप। हाँ जी बोलिए बेटा, आइसोसेलेस में केवल एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये हमने एक फिगर, थोड़ा सा फिगर चेंज कर दो, एक ही चीज पे जाते रहोगे तो इसका मतलब आपको बाकी और फिगर दिमाग में आ ही नहीं रहे। कोई और डिजाइन बना दो, जैसे मैंने अभी एक डिजाइन बनाया, थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री है। मर्सिडीज में भी तो ऐसा एक लोगो है ना, मर्सिडीज का ही है सारी। चलिए हमने इसका भी कर दिया और बस। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लाइंस खुद ड्रॉ करनी है। द फॉलोइंग फिगर्स आर पंक्ड विद होल्स, ड्रॉ द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें जैसे कि आपके पास एक ये दे रखा है, एक रेक्टेंगल जिसमें दो होल हो रखे, एक होल यहाँ है। इसका सिमेट्री करने के लिए हमें लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, हॉरिजेंटल या वर्टिकल? वर्टिकल। ठीक है, कोशिश ये करना, लेकिन अब केवल एक आपका जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला मतलब लास्ट ही फोर्थ वाला, केवल उसी के अंदर आपका थोड़ा चेंज आ जाएगा। उसी में एक जो होल है वो कटेगा, वरना तो सही हो रहे थे। है ना, इसको आपको हाफ से लेना पड़ेगा, हाफ से बिल्कुल बीच से। तो इधर इधर हो गया और ये बीच से कट गया। बाकी जो है वो आप खुद कर लीजिए, डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। सब में ये जो लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको बनाना, खुद ही बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? हाँ बोलो बेटा। दोनों बनाने हैं, सिर्फ कैसे भी नहीं। हाँ आप दोनों भी बना दोगे तो भी चलेगा, और किसी एक को भी बनाओगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लाइन ऑफ सिमेट्री, इनमें से किस किस की लाइन ऑफ सिमेट्री है? एक तो क्वेश्चन मार्क की नहीं है, नहीं है ना, तो आपको करना क्या है इसमें? आपको शेप बनानी है और इसमें लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आपके पास क्वेश्चन मार्क है तो इसको लिख देंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक हार्ट बना हुआ है, असल में क्या है इसमें, अब लिखना नहीं है कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसमें है तो लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो अब एक बार बताइए, हार्ट में है और वो जो एक डंबल की तरह बना हुआ है हाथ में पकड़ने का, उसमें भी है ना? तो उसके अंदर कैसे ड्रॉ की जाएगी? बिल्कुल सही, इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों तरह से हाफ हाफ हो सकता है ना? ठीक है, ऐसे ही बाकी आप खुद कीजिएगा, आगे के जितने भी हैं डू योर सेल्फ। फोर्थ वाली, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना है चार साइड वाला, ये तो इजी था, इसमें क्या पूछना है? ये देखो, जैसे ये है आपके पास, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री तो ज्यादा बेटर था।
ठीक, आप यहां से बना सकते हो। दूसरा आप यहां से बना सकते हो। समझ में आ गया? नहीं बेटा, साइड में से नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी वो भी देख लो। आप अगर इसका साइड में से बनाते हैं, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बना दें, है ना, तो आप जरा इसको देखिए 90 डिग्री के हिसाब से। इसका 90 डिग्री यहां सामने सामने जाता है, तो 90 डिग्री मैंने आपको बताया था कि किसी का भी जो इमेज है उसे 90 डिग्री पे बनता है, तो ये पॉइंट यहाँ दिखना चाहिए, यानी ये कॉर्नर यहाँ होना चाहिए था, ये तो थोड़ा पीछे की तरफ है। ध्यान रहेगा 90 डिग्री पे होना चाहिए, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, वो वाला पार्ट उसके 90 डिग्री पर ही बैक साइड में दिखना चाहिए। क्लियर? हाँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। बाकी सारे कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 13 डू योरसेल्फ। ठीक, कर लोगे ना? सब में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे कैसे बनेगी, सी में कैसे बनेगी, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? हॉरिजॉन्टल ऐसे वाली, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तो आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज इतना ही करते हैं, यही वाला चैप्टर, यही वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर दीजिए आज। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, बताओ। ठीक है, तो आपका होमवर्क आज का यही है, कंप्लीट एक्सरसाइज 8.1 इन पेयर नोटबुक। और एक चीज और ये मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 डू इन बुक ओनली। ये क्वेश्चन बुक में ही कर देना, क्लियर है? बहुत सारा काम बचा दिया मैंने नोटबुक में। हाँ, नोटबुक में आप 10 तक पूरा तो नहीं, वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आएगा। बाकी लेकिन बुक में कंप्लीट कर देना, यही आपका आज का काम है। आप लोग अब मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। गुड मॉर्निंग।